हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट. माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीसीएनआईएस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है. तो इसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारे इकोनॉमी का लेसन चलने वाली है, और एक लेसन हमारी इकोनॉमी पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हम लोग तीन आर्टिकल को डिस्कस किए थे, 1, 2, 3. आज हम लोग रेस्ट ऑफ द आर्टिकल देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं. ओके, सो इससे पहले आपकी एक ज्योग्राफी करंट अफेयर्स पे एक वीडियो आई है, उसको ज़रूर देख लीजिए. वो मैं दूसरे मैगजीन से पढ़ाई हूँ, जो कि हमारी आईएएस पार्लियामेंट की एक मैगजीन होती है, जिसमें आपको ज्योग्राफी की भी करंट अफेयर्स दिख जाती है. तो नवंबर मंथ की मैंने करंट अफेयर्स वहाँ पर डिस्कस करी है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा. या फिर आई बटन को, यहाँ पर आपकी आई बटन आती है, उसको क्लिक करके भी ज़रूर देख लीजिएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन. लेकिन इससे पहले जो मैं लास्ट लेसन में आपसे क्वेश्चन पूछी थी, उसका आंसर बता देती हूँ, और साथ ही फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमी फर्स्ट पार्ट से है. तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं आईआर वाले लेसन से आपको बेसिक तीन क्वेश्चन पूछी थी. फर्स्ट है कि आपको बतानी है कि पावर ऑफ सिबेरिया क्या है. सेकेंड है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा कितने मेडल्स दिए जाते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था. थर्ड है कि नाटो की पर्पज़ क्या है, ये आपको बतानी है. तो आइए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं. सबसे पहला है कि पावर ऑफ सिबेरिया के बारे में बात करें, तो ये एक फर्स्ट बॉर्डर पाइपलाइन है, जो कि यहाँ पे चाइना और रशिया वाले कंट्री में आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो है फर्स्ट, पहली बार ऐसा आपका क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन बनाया जा रहा है, जिसको पावर ऑफ सिबेरिया कहा जा रहा है. उसके बाद अगर हम लोग तीन मेडल की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो फर्स्ट मेडल है हमारी डैक हैमरजॉइट मेडल है, जो कि एक तरीके का आपका पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जितने भी लोग अगर अपने लाइफ को खो देते हैं, तो उनकी सर्विस के लिए यहाँ पर इस तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है. सेकेंड तरीके के जो यहाँ पे आपकी मेडल है, वो है कैप्टन मेवे डियांग डियांगनी मेडल. ये उस तरीके के लोगों को, यानी कि जो भी मिलिट्री है, पुलिस है, सिविलियन जो यूनाइटेड नेशन में है, उनके लोगों को अगर वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते, कुछ एक्सेप्शनल करेज दिखाते, तो उनको इस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए इस तरीके का मेडल दिया जाता है. उसके बाद यूनाइटेड नेशन की मेडल होती है, ये उन सारे लोगों को दिया जाता है जो कि यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल होते हैं और सिविल पुलिस होते हैं, जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन को. ओके, तो इस तरीके से तीन अवार्ड यहाँ पे दी जाती है. थर्ड, अगर हम लोग बात करें कि नाटो की पर्पज़ क्या है, तो नाटो की पर्पज़ यहाँ पे ये है कि फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. यहाँ पे नाटो के जितने भी मेंबर हैं, उनके मेंबर कंट्री में फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स के द्वारा. ओके, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, साथ ही एम पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे मुद्दा क्या है. ओके, आज के लिए जो आपके लिए तीन क्वेश्चन है इकोनॉमी फर्स्ट लेसन से, इसके बारे में आपको बतानी है. प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि आप ही का यहाँ पे रिवीजन होगा. अगर आप लोग लेसन नहीं देखे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो. अब एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट कैसे हम लोग देखते हैं. तो प्लेलिस्ट, जैसे कि आप मेरे चैनल पर जैसे ही आते हो, तो आपको ऊपर में दिखता होगा, पहले तो एक रिसोर्स पॉइंट लिखा रहता है जो मेरे चैनल का नाम है. उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलते होंगे. उसके बाद उसके बगल में आपकी यहाँ पे प्लेलिस्ट होती है, फिर यहाँ पे आपकी एक कमेंट होती है, फिर उसके बाद आपका स्टोरीज़ होता है. तो इस तरीके से आपको ऊपर वाले ब्लॉग देखते होंगे, तो यहाँ पर आपको स्लाइड करते हुए चलते जाना है. तो स्लाइड करते हुए जब आप चलते जाओगे, तो प्लेलिस्ट वाले स्लाइड में आओगे, तो आपको सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे, कौन कौन सी बुक यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाई गई है. ओके, तो वहीं पर आपको मिल जाएगी. तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया की जो स्किल रिपोर्ट है 2020, ये किनके द्वारा रिलीज़ करी गई थी. सेकेंड है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये है क्या, इसके बारे में आपको बतानी है. साथ ही दो यहाँ पे आपकी स्कीम थी 2017 की, एक संकल्प थी, एक स्ट्राइव थी. फिर से ये न्यूज़ में आ गई है, तो रिवाइज़ कर लीजिए और इसके ऑब्जेक्टिव आपको बतानी है. तो तीन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, जिससे कि आपका बेसिक तरीके से रिवाइज़ भी हो जाए और आपकी कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए. तो चलिए अब आते हैं हम लोग बैक टू द आर्टिकल. तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्यूचर स्किल प्राइम. ओके, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये टॉपिक थी क्यों न्यूज़ में. न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, साथ ही साथ यहाँ पे नैसकॉम है, जो कि इस तरीके से एक्सपेंड किए हैं कि फ्यूचर स्किल जो इनिशिएटिव है, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है. तो ये जो हमारी फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव चलाई जा रही थी, उसी का नाम यहाँ पे रखा गया है फ्यूचर स्किल प्राइम. अब प्राइम कहने का मतलब है कि प्रोग्राम फॉर री स्किलिंग अप स्किलिंग जितने भी आईटी मैन पावर फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे आपके जितने भी आईटी मैन पावर है, तो उनको अच्छे से स्किल करना है, इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे लाया गया है. 2018 के फेब में आपको पता है कि फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव जो है वो हैदराबाद में यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि जितनी भी आईटी इंडस्ट्री की जो वर्कफोर्स है, उनको रीस्किल करना है, जिसके थ्रू अच्छी टेक्नोलॉजी और जॉब रोल निकल कर आए.
फिर फर्दर यहाँ पे फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म जो है आज के डेट में ये ऑफर कर रही है कि आपको फिर से रीस्किल किया जाए, यानी कि जितनी भी आपके पास स्किलिंग है, इंटेलिजेंसी है, उसको फिर से रीस्किल किया जाए, और वो भी 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, और ये सब कुछ है जो कि आज की डेट में 70 न्यू जॉब रोल्स प्ले कर रही है और 155 न्यू स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव की बात करें तो ये एज ए प्राइम जैसा इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल में है और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में है। हायर एजुकेशन स्टूडेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल इन सबको यहाँ पे दिया जाएगा, और इसका गोल है कि टोटल जो है 4 लाख प्रोफेशनल को आने वाले 3 साल में यहाँ पे ट्रेन करनी है। इस तरीके की जो न्यू इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का यही एम है कि यहाँ पे इंडिया डिजिटल टैलेंट स्टैक बनाना है, जो कि यहाँ पे आपकी एक लीडरशिप पोजीशन लेकर आएगी इंडिया को पूरी डिजिटल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर्स भी देख लेते हैं कि इस तरीके से फ्यूचर स्किल जो प्राइम है, इसकी फ़ीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले जो जॉइंटली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रोल्ड आउट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की है, वो भी नैसकॉम के साथ। ये क्या करेगी कि हमारे लर्निंग जो प्रेफरेंस है उनको डायग्नोस करेगी, और साथ ही साथ स्किल गैप भी जो आपकी जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जो इंडस्ट्री में आपकी स्किलिंग की जो ज़रूरत होती है, उनके बीच में जो गैप होता है वो फुलफिल किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपकी डिजिटल फ्लुएंस को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, वो भी आज के डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक ऑनलाइन अप स्किलिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जितने भी स्किल कॉम्पिटेंस है। साथ ही यहाँ पे एक ब्लेंडेड प्रोग्राम भी दिया जाएगा कि ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी, असेसमेंट की जाएगी और सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा जितने भी बच्चे यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ साथ हर एक लर्नर को यहाँ पे एक स्किल पासपोर्ट दी जाएगी, जहाँ पे उनके लर्नर जो है वो एक्वायर्ड करेंगे इसको। साथ ही यहाँ पे एक स्किल वैलेट भी दिया जाएगा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो 12,000 तक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको इंसेंटिव्स के तौर पर वो सर्टिफिकेशन के ऊपर दिया जाएगा। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका डेवलप किया जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के साथ, जो कि आईटी इंडस्ट्री है, एकेडमिया है और गवर्नमेंट है। साथ ही इंडस्ट्री के साथ साथ अगर देखें तो आज के डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सीडैक हो गए, NIELIT सेंटर हो गए, जो कि लिवरेज कर रहे इस तरीके से रिसोर्स सेंटर का, वो भी हब में और स्पोक मॉडल में। ये जो डेटा सेंटर है इस तरीके से डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म की, वो इंडिया में ही रखा जाएगा। ओके, तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको याद रखना, अगर कहीं भी आपको स्किल वगैरह के बारे में लिखना हो तो। ओके, अगेन हम देखते हैं अनदर टॉपिक, जो कि मेगा फूड पार्क के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली एवंटी मेगा फूड पार्क जो है देवास में, जो कि एक सिटी है हमारे मध्य प्रदेश में, उसको इनॉग्रेट किया गया है, और ये फर्स्ट फूड पार्क है सेंट्रल इंडिया की। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक लेकर आई है कि ये ड्राफ्ट करना है नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 की, जिसके थ्रू जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बूस्ट हो सके। तो अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की स्टेटस ही देख लेते हैं कि इसको बूस्ट करने के बारे में कहा जा रहा है, तो इंडिया में अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस सेक्टर में नियरली 8.83 और 10.66 जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, GVA है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो भी 2017-18 से। ये आपका आज के डेट में जो उस समय 11-12 से है, उस समय बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 7 मिलियन जो पर्सन है वो यहाँ पे इस तरीके के सेक्टर में इंगेज है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंगेज है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि रॉ मटेरियल से आपका किस तरीके से यहाँ पे आपका फाइनल फूड जो बनाया जाता है, यानी कि इसको लाया जाता है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री में दिया जाता है, इंडस्ट्री में लेबर्स होते हैं, वो मशीन के हेल्प से या फिर अपने हाथों के हेल्प से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, सामान पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर होती है और मार्केट तक पहुँचती है, और मार्केट के बाद यहाँ पे कंज्यूमर के पास पहुँचा जाता है। तो जो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से लेकर जो आपका यहाँ पे मार्केट तक पहुँचता है सामान, उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो ये जो फूड प्रोसेसिंग होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे 8.83 यहाँ पे GVA है, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहने का मतलब कि जितना भी वैल्यू है आपका, उस सबको यहाँ पे ऐड किया जाता है। ओके, एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक होती है आपकी GDP, एक होती है GVA, इन दोनों में डिफरेंस आप समझिए। GDP क्या होती है कि पूरे कंट्री की टेरिटरी की होती है, कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि हमारे पूरे कंट्री में, इंडिया में, चाहे किसी भी स्टेट की हो, सबकी सम की जाती है कि एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। वहीं अगर हम लोग GVA की बात करें तो GVA एक पर्टिकुलर एरिया की देखती है कि एक साल में पूरे पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देख ले कि देवास की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के देवास में देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। ओके, तो ये एरिया वाइज प्रोडक्शन देखती है और ये पूरे कंट्री वाइज प्रोडक्शन देखती है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, और आप लोग को पता है कितना ह्यूज यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इंगेज है। साथ ही अगर हम लोग प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू देखें, यानी कि बाहर दूसरे देशों में जो हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, तो 2018-19 में ये हमारे यहाँ $35 बिलियन थी,
जो कि हमारी 10.69% तक इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट को ये कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि एक ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। एनुअल वैल्यू अगर हम लोग हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट का देखें, जो भी लॉस होती है हमारी मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में नेशनल लेवल में, तो वो कितना था, तो 92,000 करोड़ था, जो कि कैलकुलेट किया जा रहा था कि प्रोडक्शन डेटा जो थी वो यहाँ पे 2012-13 और 14-15 के इतना ही थी, यानी कि हम लोग जो जितना यहाँ पे लॉस होता है उसका इतना प्रोडक्शन डेटा भी यहाँ पे उतना ही था। ओके, तो ये भी एक मेजर लॉस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में देख लेते हैं। एक वेल डेवलप्ड जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है जो कि हेल्प करती है कि किस तरीके से हम लोग वेस्टेज निकालने में कम करें, वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सामान और खाने की चीज़ें नहीं हो, वैल्यू एडिशन हमारी इंप्रूव हो सके, क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको प्रमोट कर सके, और एक बेटर रिटर्न यहाँ पे फार्मर्स को मिलना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर पाएंगे, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा हमारे कंट्री में अर्निंग हो सके। ये जो सेक्टर है ये हमारे क्रिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करती है कि फूड सिक्योरिटी कैसे देना है, यानी कि सारे लोगों को अगर यहाँ पे फूड हर एक टाइम यानी कि 3 टाइम अगर दिन का मिल रहा है, तो इट मींस कि हमारे यहाँ फूड की जो अनाज की कमी नहीं है, फूड इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेंटेन करना है, यानी कि जो दाम बढ़ जाती है, जैसे अभी आप लोग प्याज का रोना देख रहे हो कि कितना ज़्यादा दाम बढ़ गया, तो ये फूड इन्फ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए। होलसम प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन फूड्स जो है सारे मासेस को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। मेजर चैलेंजेस और जो पोटेंशियल है डेवलपमेंट का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छे मैप के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, फिगर के थ्रू। मेजर चैलेंजेस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ फूड जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जो इनोवेशन है इसकी कमी है, हम लोग नई चीज़ इनोवेट नहीं कर पाते, साथ ही हमारे यहाँ जो फोकस होना चाहिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पे, उस पर नहीं होती है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी के बारे में बात नहीं की जाती, क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है। आपको कम दाम में कितना ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है, कितना ज़्यादा खाने के सामान मिल रही है, ये आप देखते हो, ये नहीं देखते हो कि ज़्यादा प्राइस में आपको कम सामान भी मिल रहा है लेकिन एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सप्लाई चेन इंस्टीट्यूशन जो गैप है वो एक कमी है हमारे यहाँ, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोक्योरमेंट जो है वो डिपेंडेंसी है हमारे एपीएमसी मार्केट में, साथ ही सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ ऑपरेशन है, पहले एक समय हुआ करता था कि जब कुछ जो फल हो या फ्रूट्स हो वो सीजनल ही मिलते हैं, इवन आज भी होता है, लेकिन आज क्या है ना कि आप लोग को सारे फ्रूट्स और फल जो है वो 12 महीने देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना एक ऑपरेशन है कि सीजनली ही काम करेंगे और सीजनल ही यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं उसी को उगाएंगे। तो और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी हमारे यहाँ कमी है कि हम लोग कैपेसिटी उतना कैपेबल भी नहीं है कि हम लोग 12 महीने हम लोग सारे फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स को यहाँ पर उगा सकें। साथ ही हमारे यहाँ जो लिंक होनी चाहिए प्रोडक्शन और जो प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में, वो यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। सप्लाई चेन जो इंफ्रा ग्रैप है वो भी देखने को मिलता है। लैक ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग हमारे यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है वो स्टोरेज की कमी है। आपको पता है कि स्टोरेज की कमी होने के कारण कितने ज़्यादा हमारे यहाँ जो अनाज है वो बर्बाद हो जाते हैं, तो ये भी एक बात है। तो इतनी सारी चैलेंजेस है जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग ग्रोथ पोटेंशियल देखें कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा कैपेबल है कि हम लोग ग्रोथ और ज़्यादा कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि हम लोग को फूड प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंडिंग करना होगा, गवर्नमेंट को खर्च करने होंगे, तभी यहाँ पे जाके हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स है उसकी बढ़ पाएगी। साथ ही हम लोग को अर्बनाइजेशन लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन को बढ़ानी होगी। हमारे यहाँ कहने के लिए है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन वाले एरिया में भी हम लोग को बेटर तरीके से उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना होगा। अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो हमारे यहाँ भुखमरी भी उतनी ही ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उन लोगों को 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, 3 टाइम तो छोड़ दीजिए, 1 टाइम का भी खाना जुटा नहीं पाते ये लोग। तो यानी कि हमारे यहाँ हंगर भी बहुत ज़्यादा है। हंगर इंडेक्स में आप लोग को पता है कि हमारी रैंकिंग कितना ज़्यादा लो है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यानी कि हम लोग सक्षम होते हुए भी हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोग जो है डेमोग्राफिक जो हमारी चेंज हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। साथ ही हमारे यहाँ जो है ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल और प्राइवेट लेवल जो पेनिट्रेशन है उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंगेज है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि वहाँ पे टाइम भी आपका फिक्स नहीं है, वहाँ पे आपका डे भी फिक्स नहीं है, दिन भी फिक्स नहीं है, वेजेस भी फिक्स नहीं है कि आपको एक दिन में कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा काम करोगे शायद उतना ही मिलेगा, या फिर कभी कभी कम समय भी काम करने में मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है ऑर्गेनाइज रिटेलर का भी, अब हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको ऑर्गेनाइज में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। डिमांड किया जा रहा है फंक्शनल फूड का और यहाँ पे न्यूट्रासिटिकल फूड्स का, यानी कि ऐसे फूड आप लोग खाइए जिसमें कि सारे तरीके के आपको न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिल जाए, यानी कि इस तरीके के फूड को प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा हम लोग सक्षम हो रहे हैं। साथ ही हम लोग न्यूक्लियर फैमिली को इंक्रीज कर रहे हैं और वर्किंग वीमेन भी। आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में, अभी भी होते होंगे पर मुझे नहीं पता पर्सनली, मैं नहीं वैसा एक्सपीरियंस की हूँ ज्वाइंट फैमिली वाली,
तो जॉइंट फैमिली मुझे पहले ऐसा लगता था कि काफ़ी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज के डेट में भी आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं बाहर है तो वाइफ भी वहीं चले जाते हैं, बच्चे वगैरह भी वहीं रहते हैं, तो एक छोटी छोटी फैमिली बन रहे हैं। हम दो, हमारे दो वाला कंसेप्ट जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, तो वो भी है। और साथ ही साथ जो उस फैमिली में भी आप देखोगे कि वर्किंग वुमेन की पोजिशन ज़्यादा है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉरी, ये एक आज के डेट में जो है ना हमारी ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, तो इस तरीके से है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक तभी बूस्ट हो पाएगी जब तक हम लोग अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकालेंगे। ओके, तो वीमेन पार्टिसिपेशन जो इकोनॉमी में है वो भी बढ़ेगी, तभी हमारे यहाँ एक अच्छा जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्स्टेंट है जिसको एड्रेस किया जा रहा है सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला के थ्रू, जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। वन ऑफ द कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो ये मेगा फूड पार्क का है, ये संपदा योजना का। ओके, तो अब हम लोग डिटेल देखते हैं। पहले हम लोग किसान संपदा योजना के बारे में ही देख लेते हैं। अब इस योजना के बारे में अगर यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है तो संभाविक है कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो कि यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए एक इफ़िशियंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, वो भी यहाँ पे फार्म गेट से रिटेल आउटलेट में। और यहाँ पे एलोकेशन अगर इसमें देखें तो 3,6,000 करोड़ है, वो भी 4 साल के लिए। और ये आपका जो फाइनेंस किया गया था 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई थी। अभी तो हमारे यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन है और आप लोगों को बताना है कि चेयरमैन कौन है 15 फाइनेंस कमीशन के। ओके, 7 स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है किसान संपदा योजना के ऊपर। सबसे पहली है मेगा फूड पार्क, उसके बाद है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, फिर है क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फिर है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन, उसको भी ये इंप्लीमेंट करिए। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर क्या था, ये हमारे बजट में दिया गया था 2018 में। तो ऑपरेशन ग्रीन में क्या था कि टॉप जो भी यहाँ पे आपकी फूड है उसको यहाँ पे बढ़ाना है। टॉप कहने का मतलब कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इन तीनों के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको 12 महीने जो है एक स्टैंडर्ड प्राइस में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ओनियन की जो प्राइस है वो हर साल बढ़ जाती है इस समय में, तो ये ऐसा कहा गया था, ऑपरेशन ग्रीन लाने का फंडा यही था। ओके, अब मेगा फूड पार्क के बारे में देख लेते हैं। इसको 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस स्कीम की जो एम थी वो यही था कि एक मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ होना चाहिए, साथ ही एक अच्छी वैल्यू चेन भी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक हब और स्पोक मॉडल भी बनाया गया था जिसमें कि कलेक्शन सेंटर है, सारे फूड्स को कलेक्ट करना है और जहाँ पे प्रोसेस करना है वो एक प्राइमरी प्रोसेसिंग सेक्टर भी है, सेंटर भी है। इसको एज ए हब बनाया जाएगा। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए, जो कि यहाँ पे आपका PPC और CC के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके थ्रू जो कॉमन फैसिलिटी है वो सारे लोगों को मिल जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कलेक्शन सेंटर और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में, तो ये एज ए एग्रीगेशन और स्टोरेज पॉइंट होनी चाहिए कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए। साथ ही ये एक डिमांड ड्राइवन प्रोजेक्ट है और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करना है जिसके थ्रू हम लोग इन्वायरमेंटल सेफ्टी और सोसाइटी जो भी स्टैंडर्ड है उसको हम लोग मीट कर सके। ओके, साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे इस तरीके से मेगा फूड पार्क को वो अपने आप ही इस्टेब्लिश नहीं कर रही है, लेकिन उनको यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ उसको असिस्ट करना होता है, जो कि कंपनीज एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो ये एक ग्रांट इन एड्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ग्रांट इन एड्स कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से किसी भी पर्पस के लिए मदद करती है, फाइनेंशियल एड देती है, मदद करती है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी एट द रेट 50% जितने भी एलिजिबल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है और 75% जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए और डिफिकल्ट एरिया के लिए है। ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 50% यानी कि 50% जो फंड है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% जो फंड है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट और डिफिकल्ट टेरेन की बात करें तो वहाँ पे 70% जो फंड है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और यहाँ पे जो आपकी रेस्ट ऑफ द 25% जो फंड है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ओके, तो इस तरीके से फंड का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ ना कुछ तो यहाँ से फ़ायदा होगा, तभी तो इस तरीके की पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, मेगा फूड पार्क। तो इस स्कीम से क्या होता है ना कि एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी फूड प्रोसेसिंग के साथ, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के साथ इसको सपोर्ट भी किया जाता है, चाहे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हो। इस स्कीम का एम अगर देखें तो यहाँ पे फार्मर्स, प्रोसेसर्स और जो रिटेलर्स हैं वो एक जगह आते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी लिंक किया जाता है, मार्केट के साथ लिंक किया जाता है और यहाँ पे
फार्मर्स की जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्रेस कितना इस तरीके के स्कीम के अंदर हुआ है। तो गवर्नमेंट अब तक 42 मेगा जो फूड पार्क है उसको बना चुकी है, और ओनली बस 18 मेगा फूड पार्क है जो कि अभी तक ऑपरेशनल में है, यानी कि वहाँ काम हो रहा है। मॉडर्न जो प्रोसेसिंग और जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है हमारे 23 लाख मेगा टन की और 63 PPC की प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स की, तो वो यहाँ पर फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अभी ऑपरेशन में है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप देख रहे हो कि प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है जो कि मेगा फूड पार्क के साथ है। तो ये जो मेगा फूड पार्क के जो यूनिट है वो यहाँ पे अपनी लैंड नहीं देती है, और वो यहाँ पे इस लैंड को यूज़ नहीं होने देती है एज ए कोलेट्रल, ताकि वो यहाँ पे क्या है कि वो कोलेट्रल के जैसा यूज़ नहीं करना चाहते। कोलेट्रल कहने का मतलब है कि जब भी आप लोन लेने जाते हो बैंक से तो आपको कुछ देना होता है कोलेट्रल के फॉर्म में, यानी कि अपनी कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी वहाँ भी रखनी होती है। तो इस लैंड को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। साथ ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके चेंज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो पार्ट्स है प्रमोटर का उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो जो अप्रोच है इस तरीके की स्कीम की वो बेसिकली यहाँ पे वन साइज़ फिट फॉर ऑल है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये मेगा फूड पार्क जो है पूरे हमारे इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, ईस्टर्न हो, या फिर आपकी वेस्टर्न हो, या फिर सदर्न हो, सारे स्टेट में इसको एक ही जैसा ये आपका स्कीम और प्रोविज़न रख दिया गया, जिसमें कि सब स्टेट को एक ही जैसा यहाँ पे आपका एक्ट करना होगा। तो एक ही शूज़ है जिसमें सबके पैरों में फिट हो जाए, तो इस तरीके का ये स्कीम है, जो कि ऐसी स्कीम कभी भी सक्सेस नहीं होती है। यहीं पर अगर बात करें तो स्किल लेवल जो वर्कर्स का है वो बहुत ही पुअर है, और स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पर चीप सस्ता नहीं है। अवेयरनेस अगर हम लोग इस स्कीम के बारे में देखें तो वो भी बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार इस तरीके की स्कीम भी चला रही है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के साथ आना चाहिए, जिसके थ्रू जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो थोड़ा बूस्ट हो पाएगी, और यहाँ पे हमारी मेगा फूड पार्क की जो स्कीम है वो भी बूस्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे एक रिव्यू दिया जा रहा है इस स्कीम के पैरामीटर में कि यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी डिफ़िकल्ट क्लस्टर है उसके रिक्वायरमेंट में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इस पॉलिसी में आपको देखना चाहिए कि स्टेट का क्या रोल है, कि फूड पार्क को किस तरीके से डेवलप करना है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है लैंड अलॉट कर सके प्रायोरिटी बेसिस में, साथ ही इस तरीके के पार्क को वो प्रमोट करे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। एक अच्छा खासा यहाँ पे इस तरीके का पार्क बनाना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशंस हो, आइडेंटिटी क्रॉप प्रोडक्शंस होना चाहिए, प्रोसेसिंग क्लस्टर होना चाहिए जो कि यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी को और दूसरे आईटी टूल को यूज़ करके हो। मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन करना चाहिए, और फास्ट ट्रैक मोड में इसको यहाँ पे सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। स्पेशल यहाँ पे इंसेंटिव पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को वो यहाँ पर प्रमोट कर सके और एक अच्छे तरीके से इसका डेवलपमेंट भी हो सके। ओके, कोल्ड चेन और जो फूड पार्क है वो भी यहाँ पे एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसा उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, जिसके थ्रू एक अच्छा खासा जो फंड का जो फ्लो है ना वो यहाँ पे इस सेक्टर में हो सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहा गया है, चैलेंजेस आपको पता चल गया, इसकी सक्सेस पॉइंट भी पता चल गई, और मेगा फूड पार्क का कितना काम है और क्या क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ओके, तो आई थिंक कि मेगा फूड पार्क के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल नॉलेज मिल गया है, अब फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो कि है फूड ग्रेन स्टोरेज इन इंडिया। तो यहाँ पे फूड ग्रेन स्टोरेज के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल में भी आपको काफ़ी कुछ शानदार बातें पता चलेगी। रिसेंटली क्या हुआ है कि नाफेड, इट मीन्स कि जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वेस्टेड ओवर हाफ ऑफ इट्स यूनियन बफर स्टॉक, यानी कि जो आधे से ज़्यादा जो स्टॉक थी वो उनका ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और जब गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट कर रही है, यानी कि आज के डेट में आपको पता है कि ओनियन की प्राइस थोड़ी कम हुई है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं दूसरे कंट्री से, और यहाँ पे हमारे कंट्री में जितनी भी अनाज थी वो तो स्टोरेज के यानी कि रखने के कमी के कारण वो बर्बाद हो गई, लेकिन लास्टली हम लोग को क्या करना पड़ा कि बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि लोग जो है सड़कों पे उतर आए थे ओनियन को प्राइस को लेकर। तो प्राइस को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए लास्टली क्या किया गया कि हम लोग इम्पोर्ट किए हैं। अब कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, या फिर इससे पहले मैं आपको नेफेड के बारे में डिटेल बता देती हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो रजिस्टर की गई है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू किया गया है, और इसका एम यही है कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यहाँ पे आपका प्रमोट करना है, जिससे कि लास्टली यहाँ पे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। ये मेनली यहाँ पे फाउंड किया गया था कि किस तरीके से ट्रेड को जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की है, उसको प्रमोट करना है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर पे काम करती है, यानी कि जितने भी यहाँ पे फूड है उसकी प्राइस जो है हमेशा हमारे मार्केट में मेंटेन रहे, तो उसको लेकर ये काम करती है।
निफेड की बात करें तो ये FCI के साथ, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके साथ काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करती है, जो कि फिजिकली यहाँ पे जितनी भी ऑयल सीड पल्सेस कॉपरा है उसको यहाँ पे प्रोक्योर करती है, वो भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत। ओके अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट देखें तो जो एनुअल यहाँ पे हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है मेजर फूड ग्रेन्स रेंजेस का, वो यहाँ पे 4.65 से लेकर 5.99% तक है। यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद, जैसे कि ओनियन यहाँ पे आपकी जो फूड है क्रॉप है वो पूरी तरीके से हो चुकी है और उसको यहाँ पे कटाई छटाई करना है, तो उसके बाद भी लॉसेस बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रखने का जगह नहीं है, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि सड़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर लग जाते हैं। तो जितना भी पोस्ट हार्वेस्ट जो होती है, हार्वेस्ट होने के बाद बहुत सारे जो अनाज है वो ऐसे ही भी बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है इंडिया में, उसे 12 से 60 मिलियन मेट्रिक टन्स तक हमें हर एक साल लॉस झेलना पड़ता है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो जो इंडियन की फार्मर्स है वो 92,000 करोड़ पर ईयर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस झेलती है, और जो प्राइमरी कॉजेज है यानी कि कारण जो है वो बस ये है कि हमारे यहाँ स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण अनाज हमारे यहाँ बर्बाद हो रही है। वहीं अगर हम लोग अशोक दलवाई कमेटी के बारे में बात करें तो इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ 89,000 करोड़ का है, एक फिगर है जो कि मार्जिनली बहुत ही कम है। अगर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कंपैरिजन में देखें, जो एक साल में होती है उसके कंपैरिजन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बहुत ही कम है। आज के डेट में जो हम लोग फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो 88 मिलियन टन है, और जो कि हमारे FCI और स्टेट एजेंसीज के साथ है। अब फूड ग्रेन स्टोरेज और मैनेजमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नोडल एजेंसी है, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में वर्क करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरीके से हमारे अनाज को प्रोक्योर करना है, स्टोर करना है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से बफर स्टॉक यानी जितनी भी जरूरत से ज़्यादा अनाज है उनको कैसे मेंटेनेंस करना है। तो ये सारा काम किनके द्वारा किया जाता है? ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर स्टोरेज प्लान देखें हम लोग FCI की, तो वो ये है कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि जितनी भी ज़्यादा स्टॉक है हमारे पास उसको कैसे होल्ड करके रखना है, और जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रही है, PDS हो रही है, तो उस समय जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। FCI जो है वो प्रोक्योर करते हैं फूड ग्रेन को, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, यानी कि जो FCI है वो फार्मर से ख़रीद भी लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे अभी हमारे यहाँ जो है 140 रुपये प्याज मिल रही है, ओनियन मिल रही है, अभी नहीं चलिए अभी बात करते हैं तो 50 रुपीज़ ओनियन हम लोग को मिल रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि FCI ये फार्मर से दावा कर लेते हैं कि आप 50 रुपीज़ में बेचिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे 15 रुपीज़ में, मात्र 15 रुपीज़ में ओनियन जो है मैं इतनी केजी आपसे खरीदूंगा। तो ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि अगर फार्मर्स का जितना भी यहाँ पे आपका ओनियन है अगर वो मार्केट में नहीं बिक रहा है तो सरकार इसको ख़रीदने के लिए तैयार होती है। तो इस तरीके की जो आपकी मिनिस्टर है वो ख़रीदती है, क्योंकि इस तरीके से जो है फार्मर्स को लॉस नहीं झेलना पड़ता है, तो ये भी एक पॉइंट होती है। साथ ही अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसको बेचा वगैरह जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस्ड फूड ग्रेन्स हैं ये आपकी सेंट्रल पूल से भी होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो इकोनॉमी कॉस्ट, अगर हम लोग FCI की देखें तो इसमें ये क्या क्या कॉस्ट होता है। सबसे पहला कॉस्ट होता है कि जो यहाँ पे MSP में वो खरीदते हैं, दूसरा होता है कि प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, यानी कि लेबर और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है, गोडाउन में रखने का जो चार्जेस होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, यानी कि एक जगह से निकल कर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाती है, माल का यहाँ पे आपका दाम होता है, हैंडलिंग का दाम होता है, रखने का दाम होता है, फिर इंटरेस्ट चार्ज कितना लगता है, फिर यहाँ पे रखते समय कितना लॉस हो रहा है फूड का, उसका भी चार्ज दिया जाता है। तो ये सब उनका किस में आता है? तो ये सब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट और जो सेंट्रल इशू कॉस्ट प्राइस है उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे हो रही है, लेकिन अब हम लोग को समझना होगा कि स्टोरेज से सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमारे यहाँ स्टोरेज बनाने की बात की जाती है। जो गुड्स का यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, जैसे आप लोग भी देखते हो कि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, या फिर आप लोग को जैसे कभी होता है कि, या तो फिर जैसे आप लोग समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आने वाली रहती है, तो एक हफ्ते आप लोग सोचते हो कि आप लोग बाहर नहीं निकलोगे अपने रूप से, तो सारी चीज़ें आप लोग ले आते हो, खाने पीने के सामान, अपने इस्तेमाल की कोई भी ज़रूरत की चीज़ जो है वो स्टॉक में ला के रखते हो। तो यानी क्या होता है कि सामान को आप लोग स्टोर करके रखते हो, और टाइम जो आपका प्रोडक्शन का लेकर जो कंजप्शन का होता है वो एक स्टोरेज के फॉर्म में ये आपका रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो उतने समय तक आप ला के रखते हो जितना कि आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस फ्लो हो पाता है गुड्स का मार्केट में, यानी कि एक जगह अगर स्टोर होके रखा गया, यानी कि आपके सामान जो है एक जगह स्टोर होके रख गई और इस पर जब तक ये मार्केट में तब तक पहुँच रही जब तक मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो रही है, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी स्टोर है, जब स्टोर ख़त्म होता है तो फिर ये स्टोरेज से लेकर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं लगती है, मार्केट के बगल में ही अगर स्टोरेज रहती है, जैसे कि आप लोग कहीं भी खरीद ले जाते हो कुछ भी, तो वो लोग बोलते हो कि बैठिए मैं गोडाउन से लेकर आता हूँ सामान, तो यानी कि वो लोग गोडाउन में स्टोरेज में रखते हैं, थोड़ा स्टॉक ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि उनके दुकान में जब वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो वो लोग स्टोरेज से लेकर आते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को अनाज के लिए भी करना है, साथ ही जो क्वालिटी है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है, साथ ही यहाँ पर प्राइस भी स्टेबलाइज करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर सामान स्टॉक आउट हो जाता है तो बाद में उसको बाहर से लाने में जो सामान का जो रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, तो इसलिए वो बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और जो इनकम है वो भी यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा। फार्मर को यहाँ पे अनेबल किया जाएगा कि वो प्री कंडीशन ट्रांसपोर्ट और अपने प्रोड्यूस को वो स्टोर कर सके, वो भी अपने ही दम पे वो स्टोर कर सके, जिनसे कि उनका जो फूड है वो यहाँ पे सेफ पोजिशन पे रह सके। ओके, तो ये तो बात हुई कि सिग्निफिकेंस, लेकिन इसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तरीके की स्टोरेज होती है इंडिया में। सबसे पहला जो है वो अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोग देखते हो कि जो अर्थ है उसको डग आउट किया जाता है और उसी में आपके सारे सामान को रखा जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग मूवीज़ देखते थे तो देखते थे कि जो सोना वगैरह और जितने भी आपके पैसे वगैरह होते थे तो वो घर पे जो है लोग जो है अपने घर को कोड़ कर नीचे रखते थे, तो उस तरीके से सोना वगैरह रखा जाता था। तो अभी स्टोरेज भी उसी तरीके की हो रही है। ओके, दूसरी जो स्टोरेज है वो सरफेस स्टोरेज है, यानी कि बैग स्टोरेज बनाया जाता है। एक लूज स्टोरेज होता है, बल्क में होता है। फिर लार्ज स्केल स्टोरेज होती है, यानी यहाँ पे आपका कवर और प्लिंथ होता है। ये कॉमनली यूज्ड स्टोरेज मेथड है जो कि इकोनॉमिकली है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेन की लॉस होती है ना तो वो विंड डैमेज के वल्नरेबल के कारण होती है, यानी कि अगर बुरी विंड आपकी बह रही है, यानी कि जो विंड अगर उसमें नहीं जा पाता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट आपका पूरा एक तरीके से रूम है उसी में आप अनाज रख दो, तो अगर उसमें हवा आना जाना नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि अनाज जो है वो सड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके का टेम्प्ररी स्टोरेज मेथड है जो कि यहाँ पे क्रॉप को स्टोर करने के लिए होता है। फिर सिलॉज होती है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ग्रेन्स जो है वो बहुत ही बल्क में होती है, बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा बल्क में जो रखा जाता है उसको हम लोग सिलॉज कहते हैं। उससे ज़्यादा अगर बड़ी हम लोग देखें तो वेयर हाउसिंग होती है, जो कि एक साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। स्पेशली ये जो बनाया जाता है ना, ये क्वान्टिटी और क्वालिटी को, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पर स्टोर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सब कुछ है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इतने टाइप के हमारे यहाँ स्टोरेज है। लेकिन अब हमारे यहाँ ये समझना है कि इशू क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला है कि स्टोर मैनेजमेंट इम्प्रॉपर है। हमारे यहाँ जो स्टोरेज की जो फैसिलिटी के बारे में बात किया जाता है उसकी मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। कुछ अनाज सड़ जाते हैं, कुछ अनाजों में हवा नहीं लग पाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है कि अनसाइंटिफिक स्टोरेज है, यानी कि अच्छे से यहाँ पर स्टोरेज नहीं किया जाता है। 80% जो हैंडलिंग और जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पर मेकेनाइज नहीं है, ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड किया जा रहा है, जिसके थ्रू लोडिंग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लेबर होते हैं जो कि अपने कंधे पे बड़े बड़े बोरे लेकर वो लोग लोड करते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग और जो हैंडलिंग है फूड ग्रेन्स का वो मशीन के थ्रू नहीं होता, वो अभी भी लोग हाथों से करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अनसाइंटिफिक स्टोरेज है, सही से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे अनाज जो है उसमें भी बर्बाद होते हैं। उसके बाद गैप देखने को मिलेगा स्टोरेज कैपेसिटी में और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो अगर बढ़ रहा है सेंट्रल पूल में, तो ये आपका किसके द्वारा हेल्प किया जाता है, तो FCI के द्वारा। और इससे क्या होता है कि स्टोरेज गैप जो FCI के साथ है वो यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड है रिसेंट ईयर में वो भी बढ़ रही है। तो FC जो है फूड कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पे इनसफिशियंट है नंबर ऑफ ग्रेन सिलॉज को लेकर। साथ ही हम लोग के पास कोल्ड स्टोरेज की इशू है। इंडिया में आप देखोगे तो कोल्ड स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो अनऑर्गेनाइज है और वो यहाँ पे ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के द्वारा डोमिनेट किया गया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोल्ड स्टोरेज का वो हाईली अनइवन है और मेजोरिटी जो कोल्ड स्टोरेज है वो UP, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो 2/3 जो हमारे यहाँ टोटल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पे सिर्फ पोटैटो के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसलिए आपको पोटैटो में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा कि उसकी कमी हो रही है, और प्राइस भी बढ़ती है तो बहुत रेयर केस में ही बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे एक कमेटी है जो कि अशोक दलवाई कमेटी है। इस कमेटी का एक और रिकमेंडेशन भी था कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो इनकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं। इनके रिकमेंडेशन में दिया गया था कि सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेटेड एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम को प्रमोट करना है, जिसके थ्रू एक इफ़िशेंट ट्रांसफ़र हो पाएगा सारे प्रोडक्ट का। साथ ही हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज यहाँ पे स्टोरेज प्लान को प्रिपेयर करना है, जिसके थ्रू एफिशिएंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का इंश्योर करा पाएंगे और हमारे मॉडर्न वेयर हाउस हो पाएगा और सिलॉस हो पाएगा, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से स्टोर कर पाएंगे।
पाएंगे। साथ ही हम लोग को जो आज के डेट में एग्जिस्ट करी है ड्राई वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आज के डेट में जो गोडाउन्स और जो वेयर हाउस है उसको अपग्रेड करना है, आज की टाइप का बनाना है। साथ ही हम लोग को जो वेयर हाउस की सिस्टम है और जो ENWR है उसको प्रमोट करनी है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को जो प्रमोट करना है उसमें हम लोग को सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ बैंकर हो गए, सिस्टम ऑफ वेयर हाउसिंग हो गए, तो उन लोगों को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। एक्रीडिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज को हम लोग को बढ़ाना है, यानी कि हम लोग को वेयर हाउसिंग जो बेस्ट हमारी पोस्ट हार्वेस्ट जो यहाँ पर आपकी लोन है उसको प्रमोट करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे कोल्ड स्टोरेज का जो नक्शा है उसको भी और ज़्यादा बिल्डअप करना है। साथ ही हम लोग को एग्रीगेशन यूनिट को यहाँ पे विलेज लेवल पे लेकर आना है, यानी कि एग्रीगेशन यूनिट हम लोग को बिल्डअप करना है। मॉडर्न तरीके से हम लोग को यहाँ पे पैक हाउसेस और पूलिंग पॉइंट बनानी है विलेज लेवल पे, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग लिंक कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे जो भी है उसको हम लोग को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको गैदर करना है, उनको प्रोवाइड करना है एक वेल अपॉइंटेड प्लेस देना है, जैसे कि यहाँ पे आपकी ड्राइंग यार्ड हो गए, स्टोरेज हो गए, प्राइमरी प्रोसेसिंग सपोर्ट हो गए। जो हम लोग को यहाँ पे हेल्प लेने की ज़रूरत है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, कि वो हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को प्रमोट करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि वो यहाँ पे और बेटर तरीके से इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे सही से वो लोग कर सकें। तो ये सारी बातें हमारी स्टोरेज को लेकर, तो आप लोग देख रहे हो कि कितने लेंदी लेंदी यहाँ पे आर्टिकल हो रहे हैं, जिसके कारण जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से मैं बोल रही हूँ, मतलब कि फास्ट तरीके से मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो चलिए एक और ही आर्टिकल आज भी देख लेते हैं, जो कि 7 आर्टिकल हैं। थोड़ी सी टाइम ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, क्या करें, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा आर्टिकल होते हैं, तो आप लोग को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत सारे पार्ट्स लाने पड़ते हैं। ओके, 3-4 से ज़्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, तो एक समय के बाद वो बोरिंग लगने लगता है, आप लोग को भी लगने लगती होगी। तो चलिए एक और आर्टिकल आज पढ़ लेते हैं, फिर 8 आर्टिकल से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है अब उसको डिजिटल करने की बात की जा रही है, पेन पेपर से हटाने की बात की जा रही है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे 90% जो विलेज है उसको इन्फॉर्म किए है कि अब कंप्यूटराइज होगा, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट आएगी, जहाँ पे 53% जो सर्वे मैप किया गया है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है कि बाउंड्री और ओनरशिप जो कि लैंड की है तो उसको यहाँ पे डिजिटाइज किया गया है, 53% हो चुकी है। तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात करें तो इस लिस्ट में वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें कि 99% कंप्यूटराइज हो रहा है लैंड रिकॉर्ड को लेकर। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, जिसमें कि 98% है। इसी के साथ अगर हम लोग कुछ स्टेट देखें, नॉर्थ ईस्ट की केरल में जो कि 43% है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि 9% ऑनली ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज नहीं किया गया है। अब लैंड ओनरशिप की बात करें इंडिया में, तो जो लैंड टाइटल है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि जो भी लैंड के ओनरशिप होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है, और ये एक तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहाँ पे क्लियर लैंड टाइटल प्रोटेक्ट करती है एक जो टाइटल होल्डर के राइट्स को, और साथ ही इंडिया में आप देखोगे तो लैंड जो ओनरशिप है ये डिटरमाइन किया जाता है उनके वेरियस रिकॉर्ड से, कि उन वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट क्या है, उनका गवर्नमेंट सर्वे रिकॉर्ड कितना है। लैंड टाइटल की बात करें इंडिया में तो वो अनक्लियर है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न के कारण, जैसे कि आप लिगेसी इशू देखोगे कि ज़मींदार सिस्टम का क्या इशू है, और यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क के कमी के कारण यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है सेंटर और स्टेट के बीच में, साथ ही लैंड रिकॉर्ड का एक अच्छे खासा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, तो इन सब के कारण जो है बहुत ज़्यादा लीगल डिस्प्यूट भी यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि आज के डेट में इंडिया में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे लैंड डिजिटाइजेशन करने से क्या एडवांटेज होगा, सबसे पहला है तो आप लोग ये समझिए कि जो लैंड डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो रिकॉर्ड जो है वो ऑथेंटिक रूप में रहेगा, आपका यहाँ पे जो बर्डन ऑफ केसेस है वो कम हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट आप लोग को देखने को मिलता है, ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स से जो ये चलते आता है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम कम हो पाएगी। डिजिटल वे में रहेगा तो उसमें कोई करप्शन करने की चांसेस कम रहेगी। एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग लैंड की जो रिकॉर्ड है, यानी कि लैंड की जो पेपर है उसको हम लोग कोलैटरल की जैसे यूज़ कर पाएंगे, और फिर फार्मर्स को लोन भी दे पाएंगे। साथ ही यहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होगा। अगर हम लोग कंट्री की इकॉनमी की तरफ से देखें तो वो एग्रीगेरियन से वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड में वो आपका शिफ्ट भी हो पाएगी, अर्बनाइजेशन और हाउसिंग हो पाएगा। जो सम डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे एक क्लियर लैंड टाइटल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा करप्शन चलता है, और जो आपके लैंड के सही जो ओनरशिप होते हैं उनको कभी कभी बर्खास्त करके दूसरे लोग जो है करप्ट तरीके से, करप्ट प्रैक्टिसेस करके वो अपने नाम पे ज़मीन करवा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। और साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शन को भी वो चेक कर पाएंगे। जो अनक्लियर टाइटल और जो नॉन अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड है इससे क्या हो पाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे सही तरीके से देखा जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ जो लैंड रिकॉर्ड है वो यहाँ पे
करप्शन से वीट को करप्शन से यहाँ पे कम करने में हेल्प करेगी। तो ये सारी एक आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देख लेते हैं, किस तरीके से क्या क्या इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इसका एम यही है कि यहाँ पे एक अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक म्यूटेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए टेक्सुअल और स्पेशल रिकॉर्ड में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यूनिट ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होना चाहिए और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। कुछ जो स्टेट है जो कि अपनी इनिशिएटिव लेकर आते हैं और वो अपने यहाँ लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भूमि प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे कंप्यूटराइज की गई है सारे लैंड के रिकॉर्ड को। भूधर है जो कि एक आंध्र प्रदेश की ये इनिशिएटिव है जिसमें कि लैंड पार्सल यहाँ पे रखी गई है। साथ ही महाभुलेख है जो कि एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, कि वो यहाँ पे डिजिटली साइन करते हैं 7x12 और लैंड रिकॉर्ड को वो डिजिटल रखते हैं। अब यहीं पे आपका कंक्लूजन बताया जा रहा है कि जो लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन और जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम है वो यहाँ पे प्रोसेस में है और लास्ट 30 ईयर से ही, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड है और जो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ स्लो होती है। कुछ मेजर्स यहाँ पे लेना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर सकें, जैसे कि पॉलिसी को क्लैरिफाई करना है, एक क्लियर क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करनी है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को एक बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे आइडेंटिफाई और पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है, लीगल इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करनी है, कुछ एक्सचेंज को यहाँ पे प्रमोट करनी है और कम्युनिकेशन को भी, वो भी टेक्निकल स्टाफ के साथ सारे स्टेट में। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है स्टेट लेवल में और यहाँ पे कलेक्शन और मेंटेनेंस होना चाहिए लैंड डेटा का। ओके, तो ये सारी कंक्लूजन बताई जा रही है जो कि आपको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन ये मैं कल से स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी आपका टाइम ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपकी एक ज्योग्राफी की भी लेसन ले चुकी हूँ तो वो भी आप लोग देखे होंगे, फिर अभी ये देखोगे तो आप लोग की ज़्यादा टाइम हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछी उसको कमेंट में ज़रूर दीजिए आंसर। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।